उसके ऊपर ही कोई बम पड़ गया हो और सारा का सारा नीचे को स्लाइड हो गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, मंडी और कुल्लू में लगातार जमीन धस रही है। कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, साथ ही लैंडस्लाइड से मकान धराशाही हो रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक लैंडस्लाइड के चलते 143 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा शिमला जिला में 51 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश सरकार अब लैंडस्लाइड के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन कराने जा रही है। जिस प्रकार से इस बार प्रदेश में और व्यापक तरीके से जगह जगह पर, सिर्फ कोई एक ही जगह में सीमित नहीं रहा, ये जो है चाहे ऊंचे वाले क्षेत्र हैं हमारे, चाहे निचले क्षेत्र हैं, सभी जगह पे ज़मीन धंसने का एक जो नया फिनोमेना शुरू हुआ है। कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ साफ है, परंतु एक पॉइंट पे जो ऐसे लगता है जैसे कि कोई उसके ऊपर ही कोई बम पड़ गया हो और सारा का सारा नीचे को स्लाइड हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे गाँव भी हैं जहाँ पर टोटल गाँव जो है बिल्कुल एक किस्म से पूरा गाँव ही उसमें जो धस सा गया है। तो ये एक नया फिनोमेना देखने में आया है और सभी जगह से डिमांड भी है कि इसका जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कुछ जगह पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया गया है। अब NHAI के रोड्स भी अगर आप देखेंगे, वहाँ भी यही मांग की जा रही है कि भाई इतना ज़्यादा जो स्लाइड इन नेशनल हाईवेज पर हुआ है उसका क्या कारण है। तो ये तो ज़रूरत है आज की कि हम जो है इसको साइंटिफिक तरीके से जगह जगह पे जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करें और इसका मूल कारण क्या है कि इस किस्म का जो है स्लाइड आज से पहले कभी नहीं हुआ, किन कारणों से हुआ।